भाजपा ने यूपीए सरकार पर सीवीसी, सीएजी और पीएसी जैसी संस्थाओं की गरिमा को गिराने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में संस्थानों की स्वायत्तता पर जोर दिया है। कहा कि यूपीए सरकार ने जनता के हित से जुड़े कई अहम विधेयक पारित कराए और सरकार का पूरा ध्यान कमजोर और हाशिए पर खड़े समाज के वर्गों के सशक्तिकरण पर रहा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए संसद में पास हुए लेखानुदान में बिजली में सब्सिडी नहीं मिलने के फैसले की आलोचना की। अप्रैल से बढ़ सकते हैं दिल्ली में बिजली के दाम। दिल्ली में बिजली दरों के बढ़ने का विरोध करते हुए भाजपा ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना। पार्टी नेता हर्षवर्धन ने कहा कि बिजली, पानी पर सब्सिडी जैसे मामलों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई बजटीय व्यवस्था नहीं की। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो असम का चहुंमुखी विकास होगा। असम के सिलचर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में असम में बांग्लादेशियों के अवैध पलायन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 21,75,000 लोगों की पहचान की। सभी करदाताओं से अपनी सही आय बताकर उपयुक्त कर अदा करने का किया आग्रह। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में की मुलाकात। ओबामा ने दलाई लामा को तिब्बतियों के मानवाधिकारों के लिए पुख्ता समर्थन की पेशकश की। चीन ने इस भेंट पर जताया कूटनीतिक विरोध। यूक्रेन में जारी राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच समझौता। वर्ष के अंत में होंगे चुनाव। अमेरिका सहित कई देशों ने समझौते का किया स्वागत। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 इमारतों में आग लगा दी गई। स्थानीय नेताओं का कहना है कि यहां आतंकवादी सेना से अधिक ताकतवर हो गए हैं।